अरे आपको भी पता नहीं है क्या कि कौन है गृह मंत्रालय, किसके पास है पुलिस विभाग? इसका मतलब ये क्लियर है कि आप सोची समझी साजिश के तहत पूरे बिहार या पूरे भारत के यादवों को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप में ये हिम्मत होता तो आप नीतीश कुमार को कहते। आप जानते हैं कि लालू परिवार ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा, इसलिए आप सिर्फ तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं और सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव अगर नीतीश कुमार जी आपसे दूर रहें तो आप बिहार में एक भी सीट जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जाति देखकर अगर जो आप दमन का काम करिएगा, गुंडागर्दी करिएगा, तो याद रखिए कि आप तो सोना के चम्मच लेकर के आए हैं, आप में वो ताकत नहीं है, जनता के बीच में जाकर के छवि नहीं बना सके हैं। जय श्री कृष्णा। तो आप लोगों ने जो देखा है वीडियो पीछे 10-20 सेकंड का, ये है विजय सिन्हा, पूर्व डिप्टी स्पीकर बिहार विधानसभा। और जब 2020 में आप जाइएगा तो किस तरह से मार्शल बुला करके विधायकों की किस तरह से देखिए पिटाई की गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये देखिए कैसे एक महिला को छेड़खानी किया जा रहा था, विधायकों को उठा कर ले जाया जा रहा था, सारे विधायक को देखिए। आप देखते जाइए, एक लाइन से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से पिटाई की जा रही थी। लेकिन आज जब वही बिहार पुलिस, उस समय देखिए बिहार विधानसभा के सदन में मार्शल बिना स्पीकर के बुलाए नहीं आ सकता है, ये सब कोई जानता था। लेकिन स्पीकर के बुलाए जाने या ना बुलाए जाने की बात बाद की है, लेकिन मार्शल उस विधानसभा में आए और कैसे विधायकों को, लगता है एक अपराधी हो, उस तरह से खींच खींच कर महिलाओं को बाल खींच करके सदन से बाहर ले जाया गया। यह पहली बार हुआ देश में कहीं भी, और वो बिहार में हुआ। और आप जानते हो कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जिस तरह से स्वघोषित पत्रकार मनीष कश्यप तमिलनाडु और बिहार दो राज्यों की आपसी संबंध को खराब करने के लिए फर्जी वीडियो बनाया, और किसके सह पर, तो आपको पूरा वीडियो आपको विजय सिन्हा जी का दिखाएंगे, उससे पता चल ही जाएगा कैसे एक मनीष कश्यप के लिए आग बबूला हो रहे हैं। ये पत्रकार का हनन है ऐसा कह रहे हैं। आज आपको याद आ रहा है, आपने जब विधानसभा सत्र में इस बात को उठाया, क्यों नहीं पहले इस बात की जांच पड़ताल की, क्यों नहीं केंद्र सरकार इसकी जांच पड़ताल की? ये आप पर और मनीष कश्यप पर कहीं ना कहीं से मिली भगत होने का आशंका है। बिना वो वीडियो डालता है, पहले पोस्ट करता है, फिर पेपर मीडिया आता है, फिर आप करते हैं, यानी कहीं ना कहीं से मिला हुआ है ही। आप वीडियो पहले कौन डालता है, लेकिन पोस्ट पहले ही मनीष कश्यप ने, मैं एक वीडियो आपको, अगर आप नहीं देखे होंगे तो मैं दिखा दूंगा कि तकरीबन उसने जब वीडियो, एक फोन आया था, उसने कहा कि मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है इस पर, ऐसा एक वीडियो में वह बोलता नजर आ रहा है। लेकिन आप मनीष कश्यप के साथ खड़े हो गए, मनीष कश्यप के साथ खड़े हो जाना आपकी उससे मिली भगत होने की कहीं ना कहीं संबंध को दर्शाता है। आप ये बोलते पत्रकार के साथ अगर हम हैं तो एक मानने वाली बात है कि पत्रकार, चूंकि आपने राज किया है ना 15-17 साल, तो आप रहे हैं सत्ता में, और आज उसने तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहा है और वही बात आप भी दोहरा रहे हैं कि तेजस्वी है। अरे आपको भी पता नहीं है क्या कि कौन है गृह मंत्रालय, किसके पास है पुलिस विभाग? इसका मतलब ये क्लियर है कि आप सोची समझी साजिश के तहत पूरे बिहार या पूरे भारत के यादवों को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप में ये हिम्मत होता तो आप नीतीश कुमार को कहते। आप जानते हैं कि लालू परिवार ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा, इसलिए आप सिर्फ तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं और सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव
अगर नीतीश कुमार जी आपसे दूर रहें तो आप बिहार में एक भी सीट जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए, क्या कुछ कहे थे विजय सिन्हा जी जो इस पूर्व स्पीकर रहे हैं, उनकी बात को आप सुनिए और आप खुद अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम कमेंट के माध्यम से ये प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद कमेंट करें।